गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ टाइम फॉर चैप्टर 24। दिस इज चैप्टर 24, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का फॉर्मेशन करना, उन्हें बनाना। वी कैन फॉर्म अ न्यू वर्ड इन डिफरेंट वेज। हम एक वर्ड को कई अलग अलग वेज से बना सकते हैं। फर्स्ट देखिए, बाई मेकिंग कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स से हम बना सकते हैं, जैसे वी कैन जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। हम दो अलग अलग वर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं एक नया वर्ड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फुट पैर, बॉल मीन्स बॉल, और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, फुटबॉल, एक वर्ड हो गया, जबकि यहाँ पर टू वर्ड है। इसी तरीके से ग्रैंड फादर, दो अलग अलग वर्ड हैं, ऐड कर दिए ग्रैंड फादर, एक वर्ड हो गया। अंडर प्लस ग्राउंड, दो अलग अलग वर्ड है, ऐड कर दिए तो क्या हो गया, अंडरग्राउंड। स्कूल अलग वर्ड है, बैग अलग वर्ड है, ऐड करेंगे दोनों को क्या बन गया, स्कूल बैग, नया बन गया वर्ड। अब देखिए, बाई एडिंग अ प्रेफिक्स, ए प्रेफिक्स कैन बी एडेड टू अ वर्ड एट द बिगनिंग। देखिए, प्रेफिक्स, बाई एडिंग प्रेफिक्स यानी कि स्टार्टिंग में वर्ड ऐड करना, जैसे बिलीफ, बिलीफ में हमने डिस लगा दिया, डिसबिलीफ अलग वर्ड हो गया। अन प्लस वेल, वेल अलग वर्ड है, वेल के आगे हमने यू एन अन लगा दिया, तो अनवेल यानी कि ठीक नहीं है, अलग वर्ड बन गया। देखिए, स्पेलिंग है मैनेज, मैनेज के आगे हम अगर मिस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिस मैनेज, यानी कि मैनेज ठीक तरीके से नहीं किया। एक्शन, एक्शन के आगे हम इन कर देंगे तो इन एक्शन। तो ये क्या है, वर्ड क्या है, मैनेज, एक्शन, बिलीफ और वेल, इसके आगे हमने प्रेफिक्स कर दिया, ऐड कर दिया इन, मिस, अन और डिस, तो क्या होगा, एक नया वर्ड बन करके तैयार हो गया। बाई एडिंग अ सफिक्स, ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाई एडिंग अ सफिक्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड। नया वर्ड हम सफिक्स ऐड करके भी कर सकते हैं, यानी कि पीछे वर्ड के पीछे हम ऐड करें। तो देखिए, जैसे मूव, मूव के पीछे अगर हमने मेंट लगा दिए तो अलग वर्ड बन गया मूवमेंट। रिपेयर, आईएनजी लगा दिए तो रिपेयरिंग। हार्म, हार्म में अगर हमने फुल ऐड कर दिया तो हार्मफुल। फ्री, फ्री में अगर हमने डम यूज़ कर दिया तो फ्री डम। इसी तरीके से क्या है, हमने सफिक्स में वर्ड ऐड किया और एक नया वर्ड बन के तैयार हो गया। अब देखिए, मेक न्यू वर्ड्स बाय कंबाइनिंग टू वर्ड। टू वर्ड यहाँ पे देखिए ऐड करके आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे हाउस प्लस होल्ड, हाउस होल्ड हो गया, वॉली प्लस बॉल, वॉलीबॉल हो गया, लक प्लस वार्म, लक वार्म हो गया। इसी तरीके से सभी आपको कंप्लीट करना है। चूज एंड ऐड द गिवन प्रेफिक्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे प्रेफिक्स में ऐड करना है, इनकी स्टार्टिंग में ऐड करना है, डिस, अन और मिस, बी, इन वर्ड को ऐड करके आपको नया सेंटेंस बनाना है। चूज एंड ऐड गिवन सफिक्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें क्या करना है आपको कि सफिक्स में ऐड करना है एम ई एन टी, मेंट, एबल, फुल या अस, ये चारों वर्ड्स ऐड करके आपको नया सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, मूव में अगर मेंट यूज करेंगे मूवमेंट, करेज में ओ यू एस ऐड कर देंगे करेजियस, डेवलपमेंट, मैलिस में ओ यू एस करेंगे मैलिशियस, फियरफुल, चेंज में एबल चेंजेबल, हेल्पफुल, एग्रीमेंट, नया वर्ड बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से ये भी प्रेफिक्स में ऐड कर दिए थे, डिसएग्री, बी फ्रेंड, डिसबिलीव, बी कम, अनेबल, अनफिट, मिसलीड एंड अनकाइंड। ये जो एक्सरसाइज है आपको ए बी सी, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। एंड इसी तरीके से हम सिर्फ यही वर्ड नहीं, और भी अलग वर्ड होते हैं जिसको हम प्रेफिक्स में या सफिक्स में ऐड कर देते हैं, या दो अलग अलग वर्ड को ऐड कर देते हैं जिससे कि एक नया वर्ड बन के तैयार हो जाता है, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक।